हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, उसी के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं बीएससी सेकंड ईयर पढ़ रहे थे, इसी के अंदर जो हम पढ़ रहे थे सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की चर्चा कर रहे थे। इसके अंदर हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लिया था, इसके करेक्टर को देख ली थी, प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। इनमें कौन से सेकेंड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके एलिमेंट्स कौन थे थे कौन से हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी चर्चा कर ली थी। ये तो हमें पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, डी ब्लॉक में जाएगा, डी कक्षक में जाएगा, डी ऑर्बिट में जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब ट्रांजिशन सीरीज है तो इनका मतलब इनमें क्या है, कुछ एक से लेकर नाइन तक की क्या है एनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसकी हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे इन्हीं ट्रांजिशन सीरीज में जो हमारे पास एलिमेंट्स आए थे उनके करेक्टर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुणों की, गुणों की चर्चा कर लेते हैं। गुणों के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकेंड थर्ड और इसके साथ में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का भी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इन तीनों एलिमेंट्स, तीनों जो सीरीज हैं उन तीनों के एलिमेंट्स को साथ लेकर उनके करेक्टर की चर्चा करेंगे, कौन से में ज़्यादा है और कौन से में कम है, या उन दोनों में डिफरेंस कितने का है। ये तो हमने देख रखा है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दोनों क्या करती है, एक दूसरे के लगभग हम बोल सकते हैं सेम है। ज़्यादा चीज क्या है, इनमें जो भी करेक्टर हम पढ़ेंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन वो फर्स्ट जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या थ्री डी जो सीरीज है उसमें क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होता है। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन सब के लिए सबसे पहले हम जो पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको दिया गया है 13 ग्रुप से, या फिर बोल सकते हैं थर्ड ग्रुप से चलता आ रहा है। सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसको बोलते हैं थर्ड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन से ग्रुप आएंगे, पहला है स्कैंडियम, दूसरा इट्रियम और तीसरा आएगा लैंथेनम। ये क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो हमारी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है, तीनों का हमने ले रखा है। इसको बोलते हैं स्कैंडियम, वाई को बोला जाता है इट्रियम और लास्ट है लेंथेनम। लेंथेनम ये तीनों एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब इन तीनों को साथ में हम स्टडी करेंगे इनके करेक्टर किस प्रकार से हैं। तो यहाँ हम पहला पॉइंट हम बात करें कि जो तीनों एलिमेंट हमने लिए हैं स्कैंडियम टाइटेनियम सॉरी स्कैंडियम इट्रियम और लैंथेनम, तीनों ही क्या है, बहुतायत में पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं ये तीनों क्या है, हमारी जो प्रकृति है नेचर है उसके अंदर बहुतायत से पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सेकेंड हम बात करें जो इट्रियम है, इट्रियम ये क्या है, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है, जैसे कि रडार, रोड ओवन और भी कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो किससे बनते हैं, इट्रियम से बनते हैं। सेकंड की हम चर्चा करें तो लैंथेनम, तो लैंथेनम जो ऑक्साइड है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑप्टिकल ग्लासेज में। लैंथेनम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल ग्लासेज में, और इट्रियम का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में। तो दोनों हो गई, स्कैंडियम जो है वो क्या क्या है कि मेटल है, और बाकी ये तीनों भी मेटल ही है। आगे हम बात करें कि ये जो धातुएं होती है वो किस प्रकार की होती है, ये कोमलता युक्त वाइट मेटल है, वाइट मेटल है, ठीक है। कोमलता युक्त मतलब
मेटल तो है लेकिन उतनी हार्ड नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और किस रंग कैसा है इनका? व्हाइट कलर का है, तो इनको बोल सकते हैं ये सफेद धातु जैसी दिखती है या सफेद धातु है, कोमलता युक्त है। आगे हम बात करें गलनांक क्या होता है, उच्च होता है क्योंकि मेटल है। मेटल देखिए, मेटल है तो उसका गलनांक क्या होगा, हाई ही होगा, ज्यादा ही होगा। हो सकता है मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसका गलनांक जो पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है, और अगर हो सकता है मेटल कम हार्ड है तो उसका गलनांक पॉइंट बिंदु है वो क्या है, थोड़ा लो है। लेकिन मेटल है तो उसका गलनांक क्या होगा, हमेशा हाई ही होगा, उसको टेम्परेचर हमें देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हमारे क्या हो गए, नॉर्मली पॉइंट हो गए। इसी के आगे हम बात करें तो देखिए, इनकी हमने चर्चा कर ली, अब हम बात करेंगे कि इसके करेक्टर के अंदर हम कौन कौन से गुण पढ़ेंगे। तो इसी के आधार पर हम बात करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट जो होगी आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इसको हम शो करेंगे अंगस्ट्रॉन्ग से, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, और थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा स्टीरियो केमिकल, स्टीरियो पर स्टीरियो रसायन, ठीक है। ये तीन पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। किसी भी इन सब के बारे में, हम बोल सकते किसी भी एलिमेंट के बारे में पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इन तीनों एलिमेंट, इन तीनों करेक्टर्स को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से कई बार जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कैंडियम, हिट्रियम और लैंथेनम के करेक्टर के बारे में बताओ, उसके अंदर स्टीरियो रसायन बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था बताओ और आयनिक त्रिज्या बताओ। तो ऑक्सीकरण अवस्था हमने पहले ही देख रखी है, स्कैंडियम की क्या है, इट्रियम की क्या है और लेंथेनम की क्या है। अब हम बात करनी है आयनिक त्रिज्या की और स्टीरियो केमिकल की। स्टीरियो केमिकल या स्टीरियो रसायन को बोला जाता है। तो हमने एक बार इनको रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने देखा है कि ये थर्ड ग्रुप के हैं, ये थर्ड ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको थर्ड ग्रुप में रखा गया है। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। फिर आगे हम बात करें इनके करेक्टर की, गुणों की। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये प्रकृति में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो बहुतायत, बहुतायत से मिलता है। फिर हम बात करें इट्रियम की, तो इट्रियम से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनता है, विद्युत उपकरण बनते हैं, जैसे कि हमारी राड हो गई, ओवन हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो किससे बनते हैं, इसी इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं। फिर आगे हम बात करें कि जो लेंथेनम ऑक्साइड है, लेंथेनम ऑक्साइड है, इसका यूज ऑप्टिकल आई ऑप्टिकल सॉरी इसका यूज जो है ऑप्टिकल ग्लासेज में बनाया जाता है, जो आँख के चश्मे बनते हैं उनमें। अब आगे हम बात करें, एक तो इनका क्या होता है, गलनांक पॉइंट हाई होता है। दूसरा, ये कोमलता युक्त वाइट मेटल है। कोमलता युक्त मतलब हार्ड तो है लेकिन फिर भी क्या है, सॉफ्ट जैसा लगता है, सॉफ्ट जैसा लगता है, और कलर कैसा है, वाइट है और मेटल है, तो ये धातु है। और धातु के लिए हम जानते हैं कि धातु क्या होती है, यहाँ से हम बात कर लेते हैं, धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक, विद्युत ले लो या उष्मा ले लो, धातु विद्युत और उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। सुचालक का मतलब इनके इनके इनको जब गर्म करेंगे तो ये गर्म भी होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी मूव करवाएंगे तो धारा भी क्या करेगी, गर्म मूव करेगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे अपनी आयनिक त्रिज्याओं की, ठीक है। तो जो भी मेटल होगी उसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगी तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाएंगे या उष्मा को क्या करेंगे, मतलब जो भी पात्र लिया है हमने वो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पॉइंट की ओर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आयनिक रेडी या आयनिक त्रिज्या, इसको लिखते हैं अंगस्ट्रॉन्ग से। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपनी एक चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे सीरीज, कौन सी सीरीज का है, उसके बाद हम लेंगे एलिमेंट, और फिर लेंगे M+3 की आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या
वो होगी अंगस्ट्रोंग में। अब हम बात करें यहाँ पे एम प्लस थ्री क्या है, एम फोर मेटल है, प्लस थ्री क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या फिर इट्रियम का, तो ये क्या है 3d1 4s2। स्कैंडियम का लास्ट में क्या है 3d1 4s2। कहने का मतलब ये दोनों क्या करती है, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो मेटल क्या है प्लस थ्री की है, आयनिक त्रिज्या अंगस्ट्रोंग में ले ली। अब हम बात करें सीरीज, सबसे पहले प्रथम या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर द्वितीय सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, तृतीय थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या इसको हम लिखें प्राइमरी सेकंड और टर्सरी। प्राइमरी सीरीज सेकंड, जो आप बोल सकते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और प्राइमरी, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स कौन से हो गए, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, सेकंड इट्रियम, थर्ड लैंथेनम। अब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो यहाँ पे हम बात करें तो इसकी जो जो हम बोल सकते हैं आयनिक त्रिज्या है वो होती है 0.72 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी जो होती है वो होती है 0.93 एंगस्ट्रॉम और इसकी होती है 1.03 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्यों देखें तो क्या समझ में आता है कि जो रेडियस है आयनिक त्रिज्या है वो क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रही है। 72 था, 93 था और 1 हो गया, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इस सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये लगभग क्या है, इक्वल है, लगभग समान है। तो हम बोल सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है वो नीचे जाने पर, मतलब ऊपर से क्या करेंगे, नीचे जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। आयनिक त्रिज्या का मान ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ये हमने यहाँ देखा 72 एंगस्ट्रॉम से क्या आ गई है, 1.3 में आ गई। और हम यहाँ बोल सकते हैं सेकंड ट्रांजिशन मेटल और थर्ड ट्रांजिशन मेटल की जो रेडियस है वो क्या है, लगभग इक्वल है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको आयनिक त्रिज्या का ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आयनिक त्रिज्या कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ऑक्सीकरण अवस्था। सीरीज वही है, प्रथम द्वितीय एंड तृतीय। और अब हम बढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था, उसी के अंदर हमने चेंज किया है। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए हमने पहले पढ़ रखा है कि ये किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या आएगी, सीरीज आ गई, एलिमेंट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन आ गया और लास्ट में हमारे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है। स्कैंडियम ये लास्ट में क्या करता है, 3d1 4s2, 4d1 5s2, 5d1 6s2 और यहाँ पे क्या जाता है 4f14, क्योंकि थर्ड जो है 4f14, 5d1 6s2। लास्ट की हम बात करें तृतीय जो श्रेणी है उसके अंदर, तृतीय श्रेणी मतलब जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से लेकर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट्स आते हैं, इनके बीच में क्या आते हैं, 14 एलिमेंट आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लैंथेनम के आगे के जो तत्व हैं वो उनको अलग श्रेणी में कन्वर्ट किया गया, उन्हें क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड श्रेणी, उन्हें क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो लैंथेनॉइड श्रेणी के कारण यहाँ जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ गई, एफ ब्लॉक में, और इसको क्या कर दिया गया, 4f14 कर दिया गया, 5d1 और 6s2 कर दिया गया। अब यहाँ से हम बात करें यह ऑक्सीजन अवस्था किस प्रकार से शो करता है, प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, लेकिन ये प्लस टू भी शो कर देता है।
प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, स्टेबल नहीं होती यानी अस्थायी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ये क्या करते हैं, तीनों एलिमेंट प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में स्टेबल होते हैं, प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में स्टेबल होते हैं। और प्लस टू कब आएगी, जब ये अपने डी और एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे, अपने डी और एस ब्लॉक के जो तीनों इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर दे, डोनेट कर दे, उसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीकरण। जब तीनों को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना प्लस आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन को करा है तो प्लस टू, तीन को करा है तो प्लस थ्री। ठीक है, यहां से हम बात करें इसकी इट्रियम और लैंथेनम की, तो ये दोनों क्या करते हैं, डी और वन जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो दोनों को डोनेट करके प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड ग्रुप की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या होती है, प्लस थ्री स्टेबल होती है, प्लस थ्री में स्टेबल होता है। तो सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, एलिमेंट हमारे वही हैं स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, और तीनों का यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्लस थ्री होती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट है इसका, वो है देखिए यहां से वही सीरीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहां लिखेंगे हम स्टीरियो केमिकल प्रकार, जो स्टीरियो साइन है वो। अब यहां से हम बात कर, सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होंगी, उसके बाद लिखेंगे हम ज्यामिति, और लास्ट में लिख देंगे हम एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये हमारी सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 6, 9 और 11। तो हम क्या कह सकते हैं, स्कैंडियम में 6 कोऑर्डिनेशन है, तो थर्ड जंबो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करती है, 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करती है। तो 6 हो गए, 9 हो गए और 11 हो गए। अब हम बात करें इसकी ज्यामिति की, तो जब 6 इलेक्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्यामिति क्या होती है, अष्ट फलकीय है, और अष्ट फलकीय है तो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं स्कैंडियम F6, स्कैंडियम F6। फिर हम बात करें आगे इट्रियम, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है तो इसकी होती है त्रिकोणीय प्रिज्म, जो प्रिज्म की स्ट्रक्चर होती है उस टाइप से होता है, और इसको बोलते हैं इट्रियम OH का होल थ्राइस। फिर आगे हम नेक्स्ट बात करें लैंथेनॉल जो था, सॉरी लैंथेनम, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 11, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है जटिल, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है जटिल, कहने का मतलब ये क्या कर देता है, बहुत जटिल स्ट्रक्चर बनाता है, कोई भी कंपाउंड है उसको क्या कर देता है, ये मतलब बॉन्डों में जोड़ देता है। तो ये हमारी क्या हो गई, स्टीरियो केमिकल या स्टीरियो केमिस्ट्री की होगी कि हो गई। तो यहाँ से हमने देख लिया सीरीज फर्स्ट के जो सॉरी 14 थर्ड जो थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट थे, सीरीज फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों की सीरीज के एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिए 6, 9 और 11, ज्यामिति देख लिए, उनके एग्जाम्पल देख लिए। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 9 भी है और 11 है, तो हम क्या कह सकते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट क्या करते हैं, 6 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करते हैं। फर्स्ट जो क्या कह सकते हैं, थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, 6 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। अब थर्ड जो ग्रुप है 6 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है तो उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और जैसे हमने 9 कोऑर्डिनेशन नंबर देखा तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, त्रिकोणीय प्रिज्म, और प्रिज्म किस प्रकार का होता है, इस प्रकार सा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, पार्ट अलग अलग होते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम बात करें इस सीरीज की, हमने बात कर ली थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो थर्ड ग्रुप की हमने चर्चा कर ली, अब हम बात करेंगे फोर्थ ग्रुप जो है, फोर्थ
फोर्थ ग्रुप सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्थ ग्रुप की, और फोर्थ ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? तो स्कैंडियम के बाद में फोर्थ ग्रुप, स्कैंडियम के बाद में क्या आता है? टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफमियम। टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफमियम, ये तीनों एलिमेंट्स क्या करते हैं? आते हैं। अब हम बात करें आगे कि जर्कोनियम और हाफमियम और टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम के बाद जो ये तीनों ग्रुप कौन से हो गए? फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं, Ti, ये तीनों क्या है? फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है। तो यहाँ से हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर भी टाइटेनियम जो है वो क्या करता है? ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करता है। या फिर हम बात करें तीनों में क्या होती है, ये टाइटेनियम जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का, और हाफमियम जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का कंपाउंड है, यौगिक जो एलिमेंट है। वही टाइटेनियम जो है वो तो क्या होता है, बहुतायत में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने ही समान यौगिक बनाता है, जिसे टाइटेनियम डाइक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। हम बोल सकते हैं टाइटेनियम के ये जो कंपाउंड है वो ज्ञात हो चुके हैं, टाइटेनियम के कंपाउंड जो है वो ज्ञात हो चुके हैं। ये क्या करता है, एलिमेंट्स के साथ में बॉन्डिंग बनाता है, कंपाउंड बनाता है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने देख लिया, सबसे पहले हमने देख लिया ये क्या है, बहुतायत में मिलता है नेचर में। टाइटेनियम के क्या है, कंपाउंड हैं, टाइटेनियम के क्या हैं, कंपाउंड मिलते हैं। थर्ड हम बात करें, टाइटेनियम के कंपाउंड मिल रहे हैं, तो थर्ड जिसे टाइटेनियम डाइक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये क्या हो गए, इनके कंपाउंड हो गए जो अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। थर्ड हम बात करें ये क्या है, मेटल है, मेटल है और कैसी है, रंगहीन है, मेटल है रंगहीन है, कहने का मतलब इसमें क्या है, कलर नहीं है। ये क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय का मतलब यहाँ पे क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से जो फोर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हटा देते हैं एक बार, मेटल है रंगहीन है मतलब कलर शो करेगा, गलनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब वही अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो इनके अंदर इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे वही आयनिक त्रिज्या जो हमने स्कैंडियम में देखा था या थर्ड ग्रुप में देखा था, आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीकरण अवस्था, त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिकल, और फोर्थ यहां पे देखें हम चुंबकीय गुण या स्पेक्ट्रमी गुण, स्पेक्ट्रमी गुण कि कोई भी स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये किस प्रकार से एक शो काम करता है। तो इनको यहां से हटा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं, तो आयनिक त्रिज्या यहां क्या लिखेंगे हम, पहले सीरीज, सीरीज कौन सी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड की हम बात करेंगे यहां पे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या कौन से हैं, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफमियम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एम प्लस फोर की, क्योंकि ये क्या है, प्लस फोर एलिमेंट्स को डोनेट करेगा, कि क्या प्लस फोर एलिमेंट्स की क्या है,
आयनिक त्रिज्या। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन चेंज में क्या है, टाइटेनियम, और टाइटेनियम की जो आयनिक त्रिज्या है वो कितनी है, 0.62 एंगस्ट्रॉन्ग। सेकंड जर्कोनियम की बात करें तो 0.72 एंगस्ट्रॉन्ग। थर्ड हम बात करें तो 0.71 एंगस्ट्रॉन्ग। ये क्या है, इसकी आयनिक त्रिज्या है, आयोनाइजेशन आयनिक रेडी है। तो यहाँ से देखिए एम प्लस फोर, क्योंकि जो टाइटेनियम है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 3d2 4s2। फिर जर्कोनियम की बात करें तो 4d2 4s2 5d2 5s2 6s2। तो ये क्या हो गए, इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। तो इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग हम बात करें तो चारों इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस फोर में जाएगा, प्लस फोर में जाएगा तो हमारे जो मेटल है वो किस में लिए हमने, मेटल प्लस फोर में, क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, प्लस फोर हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, तीनों एलिमेंट्स हो गए और तीनों की क्या हो गई, आयनिक त्रिज्या हो गई। यहाँ से हम बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन जर्कोनियम और जो हाफमियम है वो दोनों क्या होती है, दोनों की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की ओर जाएं तो पहले प्रारंभ में क्या होती है, बढ़ती है, और बाद में दोनों की क्या हो जाती है, लगभग इक्वल हो जाती है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आयनिक त्रिज्या के बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं इसी में कर लेता हूं, ऑक्सीकरण अवस्था। तो सीरीज वही है। अब यहां से हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें चाहिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ऊपर लिख रखा है 3d2 4s2 4d2 5s2 5d2 6s2। तो यहां भी क्या होंगे, 4f14, क्योंकि ये भी क्या है, लेंथेनोइड श्रेणी के 14 तत्वों के बाद में आने वाला एलिमेंट है। ठीक है, और इन तत्वों की जो आकार जो है, या मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, लेंथेनोइड संकुचन के कारण होते हैं। लेंथेनोइड संकुचन क्या होता है कि दो एलिमेंट्स के जो आकार में जो क्रमिक कमी आ रही है, लगातार जो कमी आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनोइड संकुचन कह रहे थे। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ से हम बात करें तो टाइटेनियम प्लस टू भी देता है, प्लस थ्री भी देता है, और प्लस फोर भी देता है। सेम ये भी प्लस टू देता है, प्लस थ्री भी देता है, और प्लस फोर भी देता है, प्लस टू भी, प्लस थ्री भी, और प्लस फोर भी। तो ये हम बोल सकते हैं तीनों, जो तीनों एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, प्लस टू से लेके प्लस फोर तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। लेकिन ये कौन से में स्टेबल होते हैं, प्लस टू में स्टेबल होते हैं। टाइटेनियम क्या करता है, प्लस टू में भी लग स्थाई है, लेकिन वो कई बार क्या हो जाता है, अस्थाई बन जाता है। ये हम बोल सकते हैं लगभग स्थाई है, और आगे फोर्थ में क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल है। मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन सी में, प्लस फोर में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफमियम, ये क्या क्या करते हैं, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। प्लस फोर में क्या है, स्टेबल है। आगे हम बात करें, प्लस फोर में अगर स्टेबल है तो ये क्या करेंगे, अपने चार इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब देखिए प्लस टू की बात करें तो माना हमने क्या कर दिया, इसने एस के इलेक्ट्रॉन दोनों को डोनेट कर दिया। थ्री में किया तो माना इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, और फोर की बात करें तो इसने क्या कर दिए, अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। जब चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, जब चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डोनेट हो गए, तो ये किस में आ गई, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर में आ गया। अब चार इलेक्ट्रॉन के बाद इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्लस फोर के आगे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। सेम प्रोसेस यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी वही फोर इलेक्ट्रॉन है, और इसी के बाद सेम प्रोसेस यहाँ होगी, उसके बाद भी क्या है, फोर इलेक्ट्रॉन है। जो फोर इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट जो था, स्पेक्ट्रम में गुणों की बात की जाए। एक स्पेक्ट्रम मतलब एक आरेख के अंदर गुणों की बात की जाए तो स्पेक्ट्रम में गुण क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम में गुण क्या कहते हैं कि अगर स्पेक्ट्रम के अंदर इनके जो यौगिक हैं
उनमें डीप लोक में क्या हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रजेंट हो, तब तो ये योगी क्या कर देता है, कलर शो कर देता है, वरना ये कलर शो नहीं करता। अगर ये कलर शो करता है तब तो ये क्या है कि हम बोल सकते हैं रंग शो कर रहा है, किसके कारण, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण। स्पेक्ट्रम में क्या करता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण कलर शो करता है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन D1 से लेकर D9 तक होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, D1 से लेकर D9 तक, और जैसे ही D10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गई, सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। कहने का मतलब स्पेक्ट्रम में गुण कब कब उत्पन्न होंगे, जब एलिमेंट्स के अंदर क्या हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेंगे, चुंबकीय गुणों को शो करने लग जाएंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं इनके लास्ट पॉइंट की, वो है स्टीरियो रसायन। स्टीरियो केमिकल, स्टीरियो केमिकल की हम बात करें तो ये क्या करते हैं, अपने ऑक्सीकरण अवस्था या फिर हमने जो देख रखी है वही एलिमेंट्स वगैरह की चर्चा करेंगे। और ये भी क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं टाइटेनियम क्या करता है, अपने यौगिक बनाता है, टाइटेनियम क्या करता है, यौगिक बनाता है। जबकि हम बोल सकते हैं इट्रियम जो और हाफमियम है वो भी कुछ यौगिक बनाते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। जैसे कि टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम क्या करता है, टाइटेनियम डाइक्लोराइड बनता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड बना लेता है। जर्कोनियम की बात की जाए तो जर्कोनियम डाइक्लोराइड बना लेता है। इसी प्रकार से कुछ और भी यौगिक कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, इन जो हम बोल सकते हैं थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं। इनमें कुछ यौगिकों के अभी तक अज्ञात है, मतलब जो बन तो गए लेकिन उनका कोई नाम या कौन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, स्टीरियो केमिकल हो गया, स्पेक्ट्रम में गुण हो गया, और हमारी आयनिक तिरजाएँ हम बोल सकते हैं आयनिक रेडी हो गई। तो ये हमने थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप की चर्चा कर ली। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फोर ग्रुप के आगे के जो ग्रुप हैं 13 ग्रुप तक, उनकी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो को आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।